हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि झारखंड हाईकोर्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये पार्ट थर्ड है, और इससे पहले जो है जीके का क्वेश्चन जो है झारखंड हाईकोर्ट से रिलेटेड जो पार्ट वन और पार्ट टू है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो भी इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हु इज द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, चौथा है यूनियन कैबिनेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य संघ शासित प्रदेशों पर अधिकार है? चलो दोस्तों पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है गुवाहाटी और चौथा है चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है ये सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड तीसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स ऑथ टू द हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फोर्थ है गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब उस स्टेट का गवर्नर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा होगा इसका सही आंसर। दोस्तों पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी नंबर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सी नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड डी नंबर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, ये मतलब पूछ रहा है। चलिए दोस्तों पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है ए नंबर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सुप्रीम कोर्ट, बी नंबर है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सी नंबर है दोस्तों कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द हाई कोर्ट वेयर ही हैज रिटायर्ड एंड डी नंबर है दोस्तों नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द हाई कोर्ट वेयर ही वाज सॉरी वेयर ही हैज रिटायर्ड, मतलब जिस हाई कोर्ट से ये रिटायर्ड हुए हैं उस हाई कोर्ट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब PIL वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, मतलब दोस्तों भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका जिसे PIL कहते हैं पेश किए जाने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? दोस्तों चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है AS आनंद, दूसरा है PN भागवती, सी है M हिदायतुल्ला एंड डी है AH अहमदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा PN भागवती, उस टाइम जो है PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द अपेक्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट,
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ आपराधिक अदालतों के शीर्ष पर है? तो दोस्तों ए नंबर है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड डी नंबर है कोर्ट ऑफ सेशन जज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, कोर्ट ऑफ सेशन जज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। मतलब दोस्तों न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए नंबर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी है द यूनियन कैबिनेट, सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका अधिकार है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट सेटअप। क्वेश्चन है दोस्तों कि वेयर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट सेटअप, भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पहले देखते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, बी है दिल्ली एंड कलकत्ता, सी है बॉम्बे दिल्ली एंड कलकत्ता एंड डी है मद्रास एंड बॉम्बे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रजेंट। मतलब दोस्तों वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है अमित मिश्रा, बी में है रंजन गोगोई, सी में है दीपक मिश्रा एंड डी में है टीएस ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स, माफ कीजिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार के रीट्स जारी किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। तो दोस्तों का सही आंसर होगा सी, 5, 5 प्रकार के रीट्स जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ईयर वाज द इंडियन पेनल कोड इम्प्लीमेंटेड। मतलब भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों ए में है 1858, बी में है 1860, सी में है 1859 एंड डी में है 1862। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 1862। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने का उम्र क्या है? तो दोस्तों ए में दिया है 58, बी है 60, सी है 62 एंड डी है 65। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 65 एज में रिटायर करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट वाज। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो चलिए दोस्तों पहले ऑप्शन देखते हैं। ए दिया हुआ है एम फतिमा बीवी, बी है रानी जेठमलानी, सी है अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा एंड डी है लीला सेठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, एम फतिमा बीवी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाईकोर्ट ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। मतलब भारत में एक राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए दिया हुआ है लीला सेठ, बी दिया है फतिमा बीवी, सी दिया हुआ है अन्ना चांदी एंड डी दिया हुआ है सुनंदा भंडारे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लीला सेठ, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। मतलब दोस्तों जिला अदालत के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए दिया हुआ है प्रेसिडेंट, बी दिया हुआ है लॉ मिनिस्टर, सी दिया हुआ है गवर्नर एंड डी दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गवर्नर, सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हुम। मतलब जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए गवर्नर, बी हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ल्ड माफ कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में कार्यान्वित कब किया गया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए 1956, बी है 1972, सी है 1964 एंड डी है 1986। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी 1972, इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए दिया हुआ है ऑल शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स, मतलब सभी के पास समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। बी दिया हुआ है ऑल शुड हैव सेम इकोनॉमिक राइट्स, मतलब सभी के पास समान आर्थिक अधिकार होना चाहिए। एंड सी दिया हुआ है दोस्तों ऑल शुड बी ग्रांटेड राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब सभी को धर्म की सुंदरता का अधिकार दिया जाना चाहिए। और लास्ट में डी है दोस्तों ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट क्रीड कॉलर एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड, मतलब दोस्तों जाति पंथ रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, डी इसका सही आंसर है। दोस्तों इस वीडियो का मैंने पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो भी इस चैनल में नए हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।